एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। दोस्तों, इस समय SSC MTS का एग्ज़ाम चल रहा है। इस वीडियो में हम 13 अक्टूबर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिए, एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम केवल GK के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कितना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये होता है 1/6। चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 1 मिनट 3 सेकेंड। किसने यूरेनस ग्रह की खोज की थी? देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और ये की थी विलियम हर्शेल ने। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? 1 प्रकाश वर्ष। 1 पारसेक कितने वर्ष के बराबर होता है? तो ये होता है 3.6 वर्ष के। यहाँ पे प्रकाश वर्ष होगा। तारों का विभिन्न रंग किसका सूचक होता है? उसके ताप का। महाविस्फोट सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। आगे बढ़ते हैं। आकार में बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं? तो ये कहते हैं बृहस्पति को। सौर मंडल का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? हाइड्रा। नेक्स्ट देखते हैं। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितने गुना अधिक है? तो देखिए, ये लूसेंट का क्वेश्चन है और ये 109 गुना अधिक है। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? 7वां। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4। देशांतर रेखाएँ क्या निर्धारित करती हैं? समय एवं अवस्थिति को। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो देखिए, इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से। कहीं कहीं आपको मिलेगा इलाहाबाद के निकट नैनी से, लेकिन ये जो है वो मिर्ज़ापुर से गुजरती है और इस जगह का नाम है अमरावती। उस जगह को अमरावती चौराहा कहते हैं। आगे देखते हैं। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने घंटे का अंतर होता है? 5.5 घंटे। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? ये है उत्तर प्रदेश सोनभद्र। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? तो ये है 6,100 किलोमीटर यानी 6,100 किलोमीटर। नेक्स्ट है। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस राज्य को स्पर्श करती है? करती है अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 2रा। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? तो 7। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो करंट अफेयर्स की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये है रॉस द्वीप यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप शहीद द्वीप एवं हैवलॉक द्वीप को स्वराज द्वीप का नाम दिया गया है। आगे देखते हैं। भारत श्रीलंका से किस जल संधि द्वारा पृथक होता है? तो ये होता है पाक जल डमरू मध्य। आगे देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है? ये है त्रिपुरा। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है सतपुड़ा श्रेणी। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस खंड का भूभाग था? तो गोंडवाना लैंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न नंबर 30। हिमालय का पर्वतपतीय प्रदेश कौन सा है? तो ये है शिवालिक। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारा कौन सा है? तो ये है सूर्य। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला का आकार कैसा है? तो ये है स्पाइरल सर्पिलाकार। आगे देखते हैं। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कहा जाता है कॉपरनिकस को। सर्वोत्तम पृथ्वी गोलाकार किसने कहा था? यहाँ पे होगा सर्वोत्तम पृथ्वी को गोलाकार किसने कहा था? तो ये कहा था पाइथागोरस ने। आगे है। किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? नाभिकीय संलयन।
तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर। हेली धूमकेतु पृथ्वी से कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? 76 वर्षों बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूरोपा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये है बृहस्पति का। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 39। किसी भी ग्रह की उसकी कक्षा में वैसी स्थिति जब वह सूर्य के निकटतम हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पेरिहेलियन। नेक्स्ट देखते हैं ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हंटर के नाम से। आगे देखते हैं हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये है शिवालिक। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? जम्मू कश्मीर में। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। आगे देखते हैं अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो ये है लद्दाख का। अक्साई चीन वह भाग है जिस पे चीन ने अपना कब्जा कर लिया है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है अरावली। नेक्स्ट देखते हैं इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य के किन पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? ये बनाती हैं केरल और तमिलनाडु। शेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये है गाडविन आस्टीन जिसे K2 कहते हैं और इसकी कुल ऊंचाई है 8611 मीटर और ये POK में स्थित है यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के भाग में ये स्थित है। आगे देखते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है अनाई मुडी केरल। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो ये है तमिलनाडु एवं केरल। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। आप हमें बताएं आपने 50 में से कितना सही किया, आपको कितने प्रश्न आ रहे थे। हम आपके एग्ज़ाम के लिए इसी तरह के प्रैक्टिस सेट और सॉल्व करा देंगे। देखिए ये वन लाइनर है ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो और आप जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जिनका एग्ज़ाम है उन्हें ऑल द बेस्ट और जिनका एग्ज़ाम कुछ दिनों बाद है वे अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।